गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। बच्चों अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 1, और आज हम इसमें जैसे कि आपको मालूम है यूनिट है, तो आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे, यूनिट 5 मानव कार्य की। तो डालेंगे यूनिट 5 मानव कार्य की। मानव कार्य की यूनिट 5 मानव कार्य की, और जिसका नाम है, इस लेसन का नाम है, लेसन प्रथम ही है आपका, लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है पाचन तंत्र शरीर की एवं कार्य की। पाचन तंत्र शारीरिक एवं कार्य की, शारीरिक एवं कार्य की। देखिए पाचन तंत्र से संबंधित जो आपका चैप्टर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनाटॉमी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए यूनिट 5 मानव कार्य की, लेसन फर्स्ट, पाचन तंत्र शरीर की एवं कार्य की, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले इसमें हेडिंग जो डालेंगे, देखिए इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मनुष्य में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण। सबसे पहले पोषण जब शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर जाएगा, और तभी मनुष्य की सारी क्रिया प्रारंभ भी होगी। यदि देखिए कोई मनुष्य अगर भोजन नहीं करता है तो क्या उसकी सारी क्रियाएं चालू होंगी? नहीं। पाचन क्रिया है जो पचाने वाली क्रियाएं हैं, क्या अभी चलेगी? अगर आप कोई मशीन है, गेहूं पीसने वाली चक्की, अगर आप उसके अंदर गेहूं नहीं डालेंगे तो क्या गेहूं पीसेगा? नहीं। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी क्या है, एक चक्की की भांति है, और जब हम पोषण खाएंगे, भोजन करेंगे, तो ये क्या करेगा, उसे चक्की की भांति चलाएगा। उसमें से जो एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, जो भी निकलेंगे आवश्यक पोषक पदार्थ, और जो हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होगी, वे पदार्थ, हार्मोन्स, उन अंगों तक पहुंच जाएंगे। और जब देखते हैं कि जब जूस निकलता है मौसम्बी का, तो मौसम्बी के जूस में कचरा अलग हो जाता है और जूस जूस अलग। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जितने प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स सब निकल जाते हैं, और उसके बाद जो पचा अपचा भोजन होता है या पचा हुआ भोजन होता है, जो हमारे शरीर में निरर्थक होता है, बेकार होता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, उसे अब हमें शरीर से बाहर निकालना होता है, जो हमारे शरीर की उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। तो ये देखिए पानी, यानी कि जो हम लोग जल पीते हैं या जो पदार्थ ऐसे खाते हैं जिसमें जल होता है, तो वह सब हमारे अंग में पहुंचता है, ऑर्गेन्स में, जिसे हम कहते हैं ब्रक, और वहाँ से छनित होकर वे हमारी यूरिन नली से होते हुए शरीर से निष्कासित हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा भोजन होता है वह भी एक गुदादार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है, और उसे त्यागना भी आवश्यक होता है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं और वही अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है पोषण। हरी डालेंगे पोषण, जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण न्यूट्रिशन में लिखेंगे। देखिए पोषण किस लिए आवश्यक है, किस लिए? पेट भरने के लिए, अच्छा अच्छा खाने के लिए,
ये हमने देखी चाउमीन, डोसा, बर्गर, क्या इसलिए आवश्यक है? पोषण नहीं, पोषण मनुष्य को जीवित रखने के लिए आवश्यक, क्योंकि जब व्यक्ति पोषण करेगा, अच्छा पोषण प्राप्त करेगा, तो उसकी शारीरिक वृद्धि कैसी होगी? अच्छी होगी। यदि वह अच्छा पोषण उससे प्राप्त नहीं होगा तो क्या उसका शरीर अच्छी वृद्धि करेगा? नहीं। आप भी एक बात सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि देखिए, जब किसी बच्चे को माँ का दूध प्राप्त नहीं होता है या किसी जब जन्म लेता है शिशु, तो उसकी माँ को कुछ पोषक पदार्थ जो उसे मिलने चाहिए थे, ताकत वाले पदार्थ, वैसे नहीं मिले। तो जो गर्भ में शिशु पल रहा था वह कैसा था? कमजोर था। जब उसने जन्म लिया, जन्म लेने के उपरांत उसकी माँ का या तो उसे पोषण नहीं दे पाई, दूध नहीं पिला पाई, या वह खत्म हो गई किसी कारण, या कमजोर हो गई, जिस प्रकार से शिशु को स्तनपान नहीं हो पाया, तो वह शिशु किस रोग से ग्रसित हो जाता है? कुपोषण से हो जाता है। तो कुपोषण से यानी कि हमें कुपोषण मिला, सुपोषण नहीं मिला। इसका अर्थ यही हुआ कि हमें क्या मिला? कुपोषण, नॉट सुपोषण, यानी कि अच्छा सब न्यूट्रिशन नहीं मिला, ठीक है, नॉन न्यूट्रिशन मिला, जिसमें क्या थी? ताकत नहीं थी, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन नहीं थे। वे पोषण मिले जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक थे। और हमें कैसे पदार्थ चाहिए? आवश्यक। तो लिखिएगा इसमें, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, सभी जीवों को जीवित रहने, सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं, शरीर में सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं एवं उपापचयी क्रियाओं, एवं उपापचयी क्रियाओं को सुधार रूप से चलाने हेतु शरीर में रहने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चलाने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा मानव को, यह ऊर्जा मानव को भोजन से प्राप्त होती है, यह ऊर्जा मानव को भोजन से प्राप्त होती है। जीवों द्वारा भोजन से प्राप्त पोषक तत्व पोषण कहलाते हैं। पोषण कहलाते हैं। हेडिंग डालेंगे पोषण के प्रकार, जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, आपने पढ़ा भी कि हमें जब भोजन खाते हैं तो हमें क्या मिलती है उससे? ऊर्जा। और ऊर्जा हमारे लिए क्या आवश्यक है? आपने देखा होगा, जब हम कोई कार्य करते हैं, सुबह सुबह टहल के आते हैं, दौड़ के आते हैं, तो हमें एकदम से भूख लगती है। उसके बाद अगर कोई कह दे कि बेटा ये काम कर लो, तो आप करोगे? नहीं, कह दो कि पहले हमें कुछ खाने के लिए दो,
और जब खाने के लिए जो मिलेगा उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी कहाँ से आई, अंदर गई एनर्जी कहाँ से, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एनर्जी दिन भर बनी रहती है। तो हमारे शरीर में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो क्या करता है, वसा को संचित कर लेता है, यानी कि जो हमने पोषक पदार्थ खाए तो उसे संचित कर लिया है कि हमें ऊर्जा देने के लिए, उस ऊर्जा को संचित कर लिया। जैसे घर पे हम लाइट कनेक्शन लिए हैं, अब लाइट कनेक्शन जब तक है जब तक तो हम क्या कर रहे हैं, खूब मौज कर रहे हैं लाइट से, और जैसे ही लाइट गई तो हम बेकार हो गए। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे ही लाइट गई इन्वर्टर का यूज़ होने लगा, पता ही नहीं चली गई लाइट गई कि नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमने खाया पचा, हमें जो ऊर्जा मिल रही, ऐसे ही क्या करता है ये धीरे धीरे हमें ऊर्जा देता रहता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, और हम दिन भर कार्य करते रहते हैं। फिर हम भोजन करते हैं, फिर ऊर्जा संचित होती है, फिर हम धीरे धीरे कार्य करते रहते हैं। तो अब जो आपके आ गए पोषण के प्रकार, तो लिखेंगे नंबर एक, इसमें पहले लिखे जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है। जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है, नंबर एक स्वपोषक, नंबर एक स्वपोषक, नंबर एक स्वपोषक। हाँ, हेडिंग है स्वपोषण क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्व का मतलब स्वयं है ना, जो अपने आप स्वयं कर ले, इसमें किसी कोई डिपेंड ना हो किसी के ऊपर। जानते हो कौन है स्वपोषक, स्वपोषी कौन है, पेड़ पौधे किसी के डिपेंड नहीं है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और उन पे हम लोग डिपेंड हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हुए तो क्या हम लोग साग सब्जी खा लेंगे, नहीं, हम लोग डिपेंड हैं कि तब तक अब साग सब्जी मिले बाहर तो हम खरीदें और खाएं। तो लिखिए स्वपोषण, नंबर एक लिखेंगे स्वपोषण का अर्थ है स्वयं पोषित करना। स्वपोषण का अर्थ है, स्वपोषण का अर्थ है स्वयं पोषित करना, स्वयं पोषित करना, स्वपोषण का अर्थ है स्वयं पोषित करना। जैसे हरे पादप, जैसे हरे पादप कौमा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हरे पादप कौमा कार्बन डाइऑक्साइड कौमा जल आदि, कौमा जल आदि। लिखेंगे अगली लाइन से, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वापोषी कहलाते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे परपोषण, दूसरी हेडिंग स्वापोषण, पहली स्वापोषण थी, अब पैरासाइट आ गई परपोषण। परपोषण में लिखेंगे ऐसे जीव जो भोज पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, ऐसे जीव जो भोज पदार्थों का निर्माण, ऐसे जीव जो भोज पदार्थों का निर्माण
स्वयं नहीं कर पाते, स्वयं नहीं कर पाते तथा भोजन के लिए, तथा भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, तथा भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें परपोषी कहते हैं, इन्हें परपोषी कहते हैं, इन्हें परपोषी कहते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राणी संभोजी, नंबर एक प्राणी संभोजी, नहीं ये थोड़ा सा पॉइंट है, हेडिंग है तो हेडिंग प्राणी संभोजी, इसके अंतर्गत लिखेंगे मनुष्य, इसके डैश लगा के लिख देंगे मनुष्य, यानी कि ये भी क्या है, पैरासाइट है, दूसरों पे डिपेंड रहता है, हैं बकरे पे डिपेंड, बकरा देखा अच्छा काट के खा लो, सब्जी अच्छी है खरीद के खा लो, है ना, लेकिन कुछ बनाया कि सब्जी को बना दे, नहीं बना सकता जैसे मनुष्य। दूसरा लिखेंगे परजीवी, परजीवी परजीवी में लिखेंगे अमर वेल, परजीवी में अमर वेल कौमा फीता कर्मी आदि, कौमा फीता कर्मी आदि। नंबर थ्री लिखेंगे, नंबर थ्री मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। अब देखो सबसे पहले यहां समझ में आ गया, पर अभी हम बता दे रहे हैं मृतोपजीवी में कौन कौन से आएंगे, जैसे कवक जीवाणु आदि, कवक जीवाणु आदि। देखो प्राणी संभोजी में मनुष्य है, ठीक है, ये दूसरों पर डिपेंड है, परजीवी यानी कि अमर वेल है, फीताकृमी है। अमर वेल जानते हो क्या होती है, आपने देखा होगा कि एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर हल्के हल्के पीले पीले से जैसे पड़े होते हैं, और वह क्या करता है उस पेड़ को सुखा देता है, जितना भी पोषण होता है उसका वह सब खा लेता है, और वो हरा हो जाता है और पेड़ नीचे से सूख जाता है। फीताकृमी पेट में जब पहुँच जाता है मनुष्य के या जानवर के, तो उसको नचोड़ता है, उसको खाता है, उसको पेट में दर्द भी होने लगता है। मनुष्य के पेट में जब ये बढ़ जाता है तो ट्यूमर का आ जाता है, बहुत बड़ा पेट का आकार ले लेगा, बट ये इसकी लंबाई 1 से 5 मीटर तक होती है, यहाँ से उस दीवार तक। मृतोपजीवी यानी कि कवक और जीवाणु, जैसे मरे हुए पशु पक्षी गोबर मल पड़ा होता है तो इनको कौन खाता है, ये खाते हैं कवक और जीवाणु। आपने देखा होगा कि कोई जानवर सड़ रहा है, सड़ते सड़ते धीरे धीरे वह नष्ट हो जाता है, तो नष्ट कैसे हुआ, कवक और जीवाणु ने खा के नष्ट कर। तो ये देखिए डिपेंड है कि कोई मरे हम खाएं, मृतोपजीवी कोई मरे हम खाएं, मरना सबको है ही है, कोई ना कोई मर ही जाता है, पर जीवी पेड़ों पे और प्राणी संभोजी। तो ये आपका तीन प्रकार का हो गया, इसके बाद हम आपको क्लास में अगली क्लास में आगे का भाग पढ़ाएंगे। नोट कर लीजिए इसे।